नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट टेक्निकल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मोटर स्टार्टर होता है, समरसेबल पंप कंट्रोल यूनिट, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और क्या पार्ट क्या वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एमीटर है एंड वोल्ट मीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर है और यहाँ पे रिसेट का ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ग्रीन स्विच है, आपको दिख रही होगी, और यहाँ पे रेड स्विच है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ग्रीन स्विच से क्या होता है कि मोटर को स्टार्ट करते हैं, अगर इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाता है, और इधर आपको रेड स्विच जो दिख रहा होगा, इससे हम लोग मोटर को स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग मेन कनेक्शन देते हैं। यहाँ से जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारा मेन कनेक्शन इसके अंदर जाता है। उसके बाद आप ये जो केबल देख रहे हैं, ये मेरे समरसेबल का केबल है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको ओपन करके दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें दो कैपेसिटर लगा हुआ है, और इधर आपका ये ब्रेकर टाइप का है जो कि EMST 16 एम्पियर का ब्रेकर है, जिसको हम लोग स्विच जियर कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्शन किया गया है, जो ग्रीन वायर आया हुआ है, ये मेन कनेक्शन है। उसके बाद इधर समरसेबल हमारा कनेक्शन आया हुआ है। फ्रेंड्स, जो हमारा समरसेबल होता है उसमें टू वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड एक मैन वाइंडिंग। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रन कैपेसिटर एंड स्टार्ट कैपेसिटर, मींस जो हमारा समरसेबल का मोटर होगा वो जो होगा वो आपका कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर होगा। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग स्टार्ट कैपेसिटर का जो हम लोग लगाते हैं स्टार्ट कैपेसिटर, वो हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में लगाते हैं, और रन कैपेसिटर हम लोग रनिंग वाइंडिंग में लगाते हैं, जिसको मैन वाइंडिंग किया कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा वोल्ट एमीटर जो हमने दिखाया था, ये एमीटर का कनेक्शन है। यहाँ पे वोल्ट मीटर है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक ग्रीन स्विच है जिससे हम लोग मोटर को स्टार्ट करते थे, और इधर ये आपका रेड स्विच है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक अलग से जो आपका इंडिकेटर होता है, अगर आपका जहाँ भी टंकी या फिर टैंक लगाए हुए हैं, अगर वो फुल हो जाए तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि अटेंशन प्लीज, आपका टंकी भर चुका है, आप कृपया मोटर बंद करें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास समरसेबल है तो इसको ज़रूर लगवाइएगा अगर टैंक में पानी भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका यहाँ पे मेन कनेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एसी यहाँ से जाती है, और अंदर रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से एक स्विच, जैसे हम लोग स्विच लगाते हैं उसी तरह यहाँ से सीरीज में दो वायर आपके टैंक में चला जाता है, और टैंक में जाकर के दोनों वायर को ऐसा रखा जाता है कि पानी अगर ऊपर आए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी में करंट फ्लो हो सकता है, तो पानी अगर ऊपर आती है तो वो अगर वायर में टच होता है दोनों वायर में, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण इसमें पहले से आईसी में सेट किया गया रहता है कि अगर दोनों ये वायर को शॉर्ट किया जाए तो फिर क्या बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब जैसे ही शॉर्ट होता है वैसे ही आपको बोलने लगता है कि अटेंशन प्लीज, आपकी टंकी भर गई है, आप अपने समरसेबल पंप को बंद करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार मैं आपको अपना समरसेबल मोटर को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपने इस स्विच को ऑन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था ग्रीन स्विच को प्रेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले एमीटर जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर पे जाता है, क्योंकि स्टार्ट होने में कोई भी मोटर थोड़ा सा एम्पियर करंट लेता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप ऑन करते हैं मोटर को तो ये अपना स्विच इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि करंट इसमें आ चुकी है। और फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे हम लोग पुश टू रीड वोल्ट स्विच को प्रेस करेंगे, वैसे ही आपका वोल्ट मीटर बताएगा कि कितना वोल्टेज आपके घर में करंट आ रहा है। तो आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स 240 वोल्ट के लगभग आ रहा है, 240 या कह सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, आप ऊपर देखिए मेरा जो मोटर है ये 67 एम्पियर का, या फिर 6.5 कह सकते हैं, इतने एम्पियर का करंट ले रहा है। इसका मतलब अगर फ्रेंड्स आप अगर यहाँ पे 0 एम्पियर अगर करंट बताने लगे आपका, तो या फिर मीटर ख़राब होगा या फिर मोटर आपकी जल चुकी होगी। और फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा लोडिंग लेने लगता है कि 20 एम्पियर या फिर 15 से ऊपर एम्पियर लेने लगे, तो समझ लीजिए कि आपको अपने मोटर को एक बार सर्विसिंग कराने की ज़रूरत है, क्योंकि
डिफरेंस ये देखिए, इधर मैंने जो बताया था स्पीकर अभी जल रहा है, अभी मेरी टैंकी भरी हुई नहीं है। अगर जैसे ही टैंक मेरा फुल हो जाएगा उसी तुरंत ही इंडिकेट करने लगेगा। तो चलिए देखते हैं, मेरा हो चुका है तो कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करने लगा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टॉप प्रेस करेंगे। तो देखिए मेरा मोटर बंद हो चुका है, यहाँ से भी स्विच ऑफ कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स। आप मेरे इस ऑल अबाउट टेक्निकल चैनल पर बने रहिए, मैं काफ़ी टेक्निकल वीडियोज इसी प्रकार से लाता रहूँगा। धन्यवाद।